अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स, लास्ट 6 पार्ट्स रहते थे तो वो हम कर लेते हैं। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स की। तो साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट तो आप इसके ऊपर पावर रूल भी नहीं लगा सकते, उसकी वजह ये है कि आप इसके ऊपर पावर रूल तभी लगा सकते हो अगर पावर के बगैर जो चीज़ है ना, यानी कि साइन एक्स है सिर्फ, तो उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, फिर इसके ऊपर आप पावर रूल इंटीग्रेशन का लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, अगर वो साथ होता तो हम इसके ऊपर पावर रूल लगा देते, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आप जो आइडेंटिटी एक पढ़ के आए हुए हो उसमें फर्स्ट ईयर में, कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ वगैरह ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है साइन की शक्ल में, कॉस की शक्ल में, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2, और इसी को ही अगर आप दरमियान में प्लस कर दो तो वो कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2 एक्स ओवर 2, ठीक है। इस 1 बाय 2 को बाहर निकाल दो, 1 माइनस कॉस 2 एक्स डी एक्स। अब ये जो 1 बाय 2 है ये इन दोनों के साथ ही था ना, और हम इस माइनस की वजह से इंटीग्रेशन अलहदा अलहदा करते हैं, तो क्या होगा कि ये 1 बाई 2 इन दोनों के साथ अलहदा अलहदा हो जाएगा जब आप इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे। इंटीग्रेटर भी अलहदा हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी अलहदा होगा, और अगर ये 1 बाई 2 पूरी टर्म के साथ है तो वो भी अलहदा हो जाएगी। 1 बाई 2 इंटीग्रेशन कॉस 2 एक्स डी एक्स, 1 बाई 2 अब 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है साइन एक्स, जो एंगल यहाँ होगा आपको वो यहाँ पे लिखना होगा, साथ आप एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हो, ठीक है। टेबल आप देखोगे ना इंटीग्रेशन का, उसमें कॉस एक्स की या उन्होंने टेबल की आगे कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक तो टेबल है ना ऊपर, उन्होंने सिंपल एक्स के हिसाब से जो है वो इंटीग्रेशन दी हुई है, फिर ना उसी टेबल में लास्ट में आती हैं वैल्यूज इस तरह की, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कैसे इंटीग्रेशन करनी है। कि एक तो ये तरीका होता है कि अगर तो एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, लेट सपोज यहाँ पे होता 2 होता साथ में, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका कोई डेरिवेटिव साथ मौजूद भी नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव बना के फिर आपको ये डेरिवेटिव से डिवाइड नहीं करना पड़ता। एक ये तरीका है कि आप खुद से डेरिवेटिव बनाओ फिर इंटीग्रेशन कर दो। दूसरा तरीका, इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें ये कहता है कि कॉस 2 एक्स है ना, इसको आप करो साइन 2 एक्स, इसकी इंटीग्रेशन साइन 2 एक्स, और साथ एंगल के डेरिवेटिव को डिवाइड कर दो। जैसे हम डेरिवेटिव लेते थे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास आएगा माइनस साइन 2 एक्स, और अभी भी यहाँ पे काम हमें करना पड़ेगा, माइनस साइन 2 एक्स और साथ हम एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ हम मल्टीप्लाई करते थे ना, ये डेरिवेटिव का उल्टा है इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, आप ये जहन में रखो कि डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में आपने डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो मैंने ये किया, कॉस 2 एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो होती है साइन 2 एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो हो गया एक्स बाय 2 माइनस साइन 2 एक्स ओवर 2 × 2 = 4, और प्लस ही आपने लगाना होता है साथ में, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इस पे, भी आपको कुछ जो है ना कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। वो क्या कि आप देखो, मैंने कहा था कि ये वाली आइडेंटिटी को ही अगर मैं चेंज कर दूँ
कॉस के लिए एक्स की अगर मैं लिखना चाहती हूँ ना, तो वो होगा 1 प्लस cos 2x ओवर 2। यहाँ से आपने ना 1 प्लस cos x की वैल्यू निकाली, क्योंकि दरमियान में प्लस है इसलिए मैंने प्लस वाली टर्म लिया। अगर माइनस होता ना तो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करती। अच्छा, ये 2 पहले उधर चला जाएगा, उसके बाद cos 2x को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। अच्छा, इसको इधर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है प्लस। अब आपने सिर्फ इतना करना है, इसमें इसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पे 2 नहीं है, यानी कि उन्होंने इस एंगल को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। जब आप किसी को डिवाइडेड किसी चीज़ को डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो क्या होता है कि वो एंगल हाफ हो रहा होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप डिवाइडेड बाय 2 करो तो वो हाफ हो रही होती है। तो इसका मतलब यहाँ से ये ले जाने के लिए आपको ओवरऑल एंगल्स को हाफ करना होगा, तभी ये एक्स बनेगा। और अगर आप यहाँ पे हाफ कर रहे हो तो आपको इधर भी हाफ करना होगा, यानी कि 2 cos square x over 2 x है ना एंगल, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 1 प्लस cos, इधर इस एंगल को भी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो ये आ जाएगा, यानी इसको हम रिप्लेस करेंगे इससे। तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई 1 over 2 cos square x by 2। ठीक है, ये मैंने इससे निकाली है वैल्यू। अब आप इसको लिख सकते हो 1 over 2 को बाय निकाल लो, और 1 over cos square x by 2 को आप लिख सकते हो secant square x by 2। सीकेंट स्क्वेयर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, लेकिन वो आप तभी कर सकते हो, ये वही बात जो मैं यहाँ पे कर रही थी, वो हम तभी कर सकते हैं अगर सारा डेरिवेटिव हो। ठीक है, या तो आप 1 बाई इसका एंगल का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2, या तो आप 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करवा लो या डिवाइड करवा लो। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू की डेरिवेशन आप कर सकते, सॉरी इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगी tan एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स ओवर टू का 1 ओवर 2। ठीक है, ये 1 ओवर 2 और ये 1 ओवर 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा tan एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। आप ऐसे ही इसको याद रख लो कि जो भी इंटीग्रेशन आपको दी हुई है ना, सिर्फ पावर रूल में आपको कोशिश करनी होगी लाजमी कि आप सारा डेरिवेटिव बनाओ फिर आप पावर रूल लगाओ, अगर नहीं है तो। और इनमें आप ये करोगे, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप पावर ये डेरिवेटिव साथ बना लो, या आप यूँ कर लो कि आप इंटीग्रेशन कर लो और डिवाइड कर दो डेरिवेटिव से, साथ ना बनाओ आप उसको उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 तरीके हैं इसमें, जो आसान लगता है उससे आप कर लो। और यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो क्या है। यहाँ से बताती हूँ, 1 ओवर 2, मैं ये कहती हूँ कि मैं सेकेंड की इंटीग्रेशन नहीं कर सकती जब तक इसका डेरिवेटिव साथ ना हो एंगल का। ठीक है, तो एंगल का डेरिवेटिव साथ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई और 1 बाई 2 से डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि नीचे वाला 1 ओवर 2 आप बाहर निकाल लो। ठीक है, नीचे वाला हम बाहर निकाल लेते हैं 1 ओवर 1 ओवर 2, और यहाँ पे ऊपर वाला हम इसके साथ रखते हैं। ये 2 पर चला जाएगा जो सबसे नीचे है, ये हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 2 ओवर 1। ठीक है, अब इसका एंगल का डेरिवेटिव यहाँ है ना, तो आप डायरेक्ट इसको tan एक्स बाई टू कह दोगे। फिर हमें जब हम ये वाला काम कर रहे होंगे ना, फिर हम नीचे डिवाइड नहीं करवाएंगे डेरिवेटिव से। लेकिन अगर आप ये वाला काम नहीं करना चाहते तो फिर आप ये करो कि आप इसकी इंटीग्रेशन करो देन डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये हो गया ख़त्म, तो तब भी आंसर आपका यही आएगा जो अभी आया। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। हाँ, पावर एक ऐसा है कि जहाँ पे डेरिवेटिव अगर नहीं है तो वो आपको साथ बनाना पड़ेगा, उसमें हम डिवाइड नहीं करवा सकते।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आप देखो, एक वेरी सिंपल फार्मूला हमारे पास हो जाता है। एक तो आप पावर रूल लगाते हो ना, अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है कि जिसकी होल पावर 1 है, ठीक है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, लेट्स सपोज, तो शर्त तो ये होती है ना पावर रूल लगाने की कि आप जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ रखो, ठीक है, और पावर रूल उसके ऊपर लगा दो। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन एक तो डिनोमिनेटर में हो, दूसरा उसकी पावर हो 1, ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया अभी, फंक्शन एक तो डिनोमिनेटर में हो और उसकी पावर हो 1 और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो ऊपर, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ वो फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है और साथ सी। इसकी एग्जांपल मैं कोई लेती हूँ, लेट्स सपोज ये लेती हूँ, सिंपलेस्ट एग्जांपल, नीचे एक फंक्शन मौजूद है जिसकी पावर 1 है और ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, लेकिन मैं इसके ऊपर पावर रूल अगर लगाऊँ, लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ -1 करके, इसके ऊपर मैं पावर रूल लगाती हूँ, पावर रूल क्या कहता है, 1 ऐड करो और नीचे भी ऐड करो, ठीक है, तो ये हो गया जी एक्स की पावर 0 और नीचे आ गया 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम इसमें हो जाती है तब जब नीचे कोई फंक्शन हो उसकी होल पावर 1 हो, तो हम उसको -1 बनाकर जो है ना पावर रूल नहीं लगा सकते। तो फिर उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है कि आपने ये चेक करना है कि अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में आपके पास आया हुआ है और उसकी होल पावर 1 है, तो देख लो कि क्या उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद है। अगर तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो फिर आप सीधा सीधा उसका लॉग लेके और उसकी इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये पूरा फंक्शन है जिसकी पावर 1 है, ठीक, और आप डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन ब्रेक भी नहीं कर सकते, फ्रैक्शन हमेशा ऊपर से ब्रेक होती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है, आप देख कोशिश करो कि क्या इसका डेरिवेटिव हम ऊपर बना सकते हैं पावर के बगैर। चीज़ देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 BX प्लस सी, इसका ज़रा हम ना डेरिवेटिव लेते हैं, ये पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, फिर 2B और कांस्टेंट सी का डेरिवेटिव 0, यानी कि ये डेरिवेटिव बनता है इसका। ये अगर ऊपर आ जाए तो हम इसका लॉग ले लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन इसका लॉग बन जाएगा। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, डिवाइड वाला 2 बाहर ले जाएं और ऊपर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, डिवीजन वाला मैं बाहर ले गई और जो मल्टीप्लाई वाला था वो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप सिंपल क्या करो, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, सिंपलेस्ट। अच्छा जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। अच्छा, आप लोग फार्मूलाज पढ़ के आए हुए हो, रिकॉल करवाती हूँ एक फार्मूला मैं आपको फर्स्ट ईयर का, 2 cos α sin β इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये कुछ ऐसी ही शक्ल हमारे पास मौजूद है, कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है, तो हम पहले वो 2 ले आते हैं, 2 से डिवाइड करवा देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अब हम इसके ऊपर ज़रा फार्मूला लगा देते हैं अंदर, साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 3x प्लस 2x 5x हो गया, फिर आ गया माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी 3x माइनस 2x साइन एक्स एंड dx, ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग इनकी कर सकते हैं, दरमियान में माइनस है 1/2,
इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस 1/2 इस पूरे के साथ था, 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx. साइन x की इंटीग्रेशन है जी माइनस cos x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है. और यहाँ पर भी माइनस cos x एंड डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है. अच्छा ये हो गया जी माइनस cos 5x ओवर 10 माइनस, और ये माइनस प्लस cos x ओवर 2 प्लस सी. अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 13, कुछ जानी पहचानी सी चकलें लग रही हैं ये, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हम कर सकते हैं. इधर आप सबसे पहले जो है वैल्यू देखो नीचे वाली टर्म की. एक तो होता है ना साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, ठीक है. और एक होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2, ठीक है. ये दो होते हैं हमारे पास. इसकी तो वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे बहुत आसानी से, इसको 2 को उधर ले जाओ, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x. इसकी जगह पे तो आ गया 2 cos स्क्वायर x. अब रह गई ऊपर वाली टर्म. ऊपर वाली टर्म में 1 के साथ है माइनस और ये पॉजिटिव है. हम इस वाली आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते. हाँ यहाँ पे कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि ये याद रखना, यहाँ पे आएगा नीचे वाली टर्म पे 2 cos स्क्वायर x के, मैं इधर से इरेज करने लगी. इसकी हेल्प से मैं ऊपर वाली टर्म की वैल्यू निकालूंगी. सबसे पहले तो आप 2 को ले जाओ उधर. आप ये देखो इसमें और इसमें सिर्फ साइन का फर्क है. अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस 1, तो इसकी वैल्यू बन गई माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है. इसकी भी वैल्यू मिल गई और इसकी भी वैल्यू मिल गई. हम ये पुट कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऊपर वाली वैल्यू की हो गई जी माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे वाली वैल्यू को रिप्लेस कर लिया हमने 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है. अच्छा जी ये तो कैंसिल हो गए दोनों 2, माइनस को बाहर निकाल लो. साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x dx. अब ना tan की डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद होगी सिर्फ टैन की, लेकिन इसके ऊपर आ गई ना पावर. अगर हम सोचें कि इसके ऊपर पावर वो लग जाए तो टैन एक्स का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए सीकेंड स्क्वायर एक्स. अगर सीकेंड स्क्वायर एक्स साथ होता तो मैं इसके ऊपर पावर वो लगा देती, लेकिन वो भी नहीं है. तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी हम इंटीग्रेशन कर सकें. हम टैन स्क्वायर एक्स की तो उसके डेरिवेटिव के बगैर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. तो हम ये करते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और हमारे पास आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1. अब हम इंटीग्रेशन ज़रा अलहदा अलहदा, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट टेबल में मौजूद है. सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक है. टेबल में सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मौजूद है क्योंकि टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टैन एक्स, ठीक है. तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टैन एक्स, और साथ नीचे एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करवाना है वो 1 है इसलिए नहीं लिख रही मैं. 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स प्लस सी, ठीक हो गया. सेम पैटर्न आपने इसको चेंज कर लेना है, ये यहाँ से ये जितना किया है ना वो सारा इधर हो जाएगा डी एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स अलहदा कर लिया माइनस 1 अलहदा कर लिया. इसकी इंटीग्रेशन आ गई टैन एक्स, ये हो गया माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है. वही मेथड यहाँ लग गया जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे. ये हो गई यहाँ पे आपकी 3.2 कंप्लीट. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.